थाना हरैया पुलिस टीम ने जनपद श्रावस्ती बॉर्डर पर स्थित बैरियर चेकिंग पर पिकअप पर लदी हुई 14 मोटा जंगली सागौन की लकड़ी सहित दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बलरामपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में जनपद में वृक्षों के अवैध कटान पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह के पर्यवेक्षण में व थाना अध्यक्ष थाना हरैया अखिलेश कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे, मैं हमराही, उप निरीक्षक हौसला प्रसाद, हेड कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल लक्ष्मण यादव, कांस्टेबल विश्वास यादव, मैं वाहन सरकारी के देखभाल क्षेत्र रात्रि गश्त में थाना क्षेत्र में मामूर थे। तभी जनपद श्रावस्ती बॉर्डर पर स्थित बैरियर चेकिंग पर तैनात हेड कांस्टेबल उपेंद्र कुमार यादव व कांस्टेबल सुरेश चंद्र तिवारी के साथ संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप पर लदी हुई 14 मोटा जंगली सागौन की लकड़ी सहित दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 12/22 धारा 379/411 भादेव 26 फॉरेस्ट एक्ट 26/27/29/31/51 WLP एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।